हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में और आज हम जानेंगे उनके इंग्लिश और हिंदी नेम। तो हमारा पहला वर्ड है बेड बग। बेड बग यानी खटमल। और फिर आता है हमारा एंट। एंट यानी चींटी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बीटल यानी गुबरेला। अगला वर्ड है बी यानी मधुमक्खी। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मक्खियाँ अलग अलग तरह की होती हैं, इसी तरह हमारा अगला वर्ड है ब्लैक बी यानी भौरा। नेक्स्ट वर्ड है बग यानी कीड़ा। और ये जो प्यारी सी चीज़ आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई और हिंदी में इसको कहते हैं तितली। नेक्स्ट है कैटरपिलर। ये हल्का ग्रीन कलर का होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं झींगा। अगला वर्ड है सेंटीपेड यानी कनखजूरा। और हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है सिकाडा। इसको हिंदी में भी सिकाडा ही कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है कॉक्सिनेलिडाई यानी सोनपंखी भ्रंग। और इस इंसेक्ट को तो आप सब जानते होंगे, कॉकरोच यानी तिलचट्टा। और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रिकेट इंसेक्ट और इसको हिंदी में झींगुर कहते हैं। और ये प्लेन जैसा दिखने वाला इंसेक्ट इसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं यानी व्याग पतंग। और नेक्स्ट है अर्थ फॉर्म यानी केचुआ। और नेक्स्ट वर्ड है एयरविक। ये भी एक तरह का कनखजूरा ही होता है। और हमारा अगला वर्ड है फायरफ्लाई यानी जुगनू। ये जलता हुआ बहुत प्यारा लगता है। और नेक्स्ट वर्ड आता है प्लू यानी पिस्सू। और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रूट फ्लाई। जो मक्खी जब हम फल खाते हैं उन पर आ आकर बैठती हैं, उनको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये थोड़ी बड़ी आकार की होती है और इसको हिंदी में भी फल मक्खी कहा जाता है। अगला वर्ड है नेट यानी डांस। और अब हमारा लास्ट वर्ड आता है ग्रास ऊपर यानी टिड्डा।